हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C11 फ़ोन में आप लोग टॉकबैक मोड को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C11 फ़ोन है और उस फ़ोन में जो है टॉकबैक मोड ऑन हो गया है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, तो इस टॉकबैक मोड को आप लोग कैसे ऑफ़ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉकबैक मोड को ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा गाइस। पहला तरीका ये है कि सेटिंग से आप लोग कैसे टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर सकते हो, और उसको करने के लिए आप लोगों को टॉकबैक मोड ऑन होने के बाद अपने फ़ोन को चलाना सीखना होगा। देख सकते हैं टॉकबैक मोड ऑन होने के बाद आप लोग अपने फ़ोन को चला नहीं सकते, यहाँ पर स्क्रॉल भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं चलाना भी सिखा दूंगा और सेटिंग्स में से टॉकबैक मोड को कैसे ऑफ़ करते हो ये भी सिखा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग एक ही क्लिक में यहाँ पर से टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं गाइस कि टॉकबैक मोड ऑन हो जाने से उनका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, फ़ोन का जो टच है वो ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक टच होता रहता है इधर उधर और कभी कभी तो टच भी नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल भी नहीं हो रहे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस टॉकबैक मोड को ऑफ़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सीखना होगा इसकी टॉकबैक मोड ऑन होने के बाद अपने फ़ोन को आप लोग कैसे चला सकते हो। तो फ़ोन को कैसे चलाओगे गाइस, देख सकते हैं अगर मैं ऐसे करके करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, स्क्रॉल मेरा ऐप लिस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं दो उंगली से ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो देख सकते हैं इजीली यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर मैं एक उंगली से स्क्रॉल करना चाहूँ तो नहीं होगा, लेकिन दो उंगली से स्क्रॉल ईजिली हो जाएगा। तो आप लोगों को जो स्क्रॉल करने के लिए दो उंगली से स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन पैनल को भी ला सकते हो। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो दो उंगली से, लेकिन एक उंगली से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को दो उंगली से आप लोगों को स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट कैसे करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ गाइस आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को जिस भी एप्लीकेशन में सिलेक्ट करना है आप लोगों को जो उस एप्लीकेशन पे पहले एक बार क्लिक करना है, उसके बाद लगातार दो बार क्लिक कर देना है, ये एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही बैक करने के लिए पहले एक बार क्लिक करना है, उसके बाद लगातार दो बार क्लिक करना है। तो अभी का क्या करना है गाइस आप लोगों को, अभी सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के लिए दो उंगली से हम स्क्रॉल करेंगे और ऐप लिस्ट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे दो उंगली से। देख सकते हैं ये रहा सेटिंग्स का ऑप्शन, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद दो बार लगातार क्लिक कर देंगे तो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दो उंगली से, आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। एकदम नीचे देख सकते हैं एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो पहले हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद दो बार लगातार इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देख सकते यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टॉकबैक का, तो इसी टॉकबैक को हमें ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ करने के लिए हम इस पर क्लिक करना होगा हमें। क्लिक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर हमें दो बार क्लिक करना होगा। दो बार क्लिक करते ही हमारा जो ये टॉकबैक का सेटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते दो ऑप्शन ऑन है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन को ही ऑफ़ करना है। देख सकते यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ टॉकबैक का, तो इस यूज़ टॉकबैक को हमें ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद दो बार क्लिक करेंगे। एक स्टॉप का ऑप्शन आएगा, स्टॉप पर भी हम एक बार क्लिक करेंगे और दो बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करती है हमारा जो टॉकबैक है वो ऑफ़ हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग सेटिंग्स में से टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग एक ही क्लिक में टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर सकते हो। उसके लिए पहले मैं सबसे पहले जो टॉकबैक मोड को ऑन कर लेता हूँ पहले, तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में टॉकबैक मोड फिर से ऑन हो गया है। तो एक ही क्लिक में कैसे ऑफ़ करेंगे गाइस इसको, एक ही क्लिक में ऑफ़ करने के लिए देख सकते हैं आप लोगों का जो वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन, तो दोनों को आप लोगों को एक साथ में क्लिक करके रखना है। ये नहीं कि पहले इसको, ऐसा नहीं होगा गाइस, दोनों को एक साथ में क्लिक करके रखना होगा। तो यहाँ पर दोनों को हाथ दे दीजिए यहाँ पर और क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया है गाइस और यहाँ पर मेरा जो टॉकबैक मोड है वो ऑफ़ हो गया है। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने रियलमी C11 फ़ोन में टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर सकते हो।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।